गाड़ी चुके हैं। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे गाड़ी देख रहे होंगे, ये गाड़ी बहुत कमाल है। ये देखो मर गया बे, मर गया। जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं अब उठा यार। मैं 4 बजे पहुँचा था, सो गया था, फिर मैं अब उठा। राजन आगे ले आया कहीं गाड़ी, पता नहीं हम कहाँ हैं। वैसे हम मनाली से आ गए हैं इतना पता है। तो अभी क्या सीन है कि मैं उठ गया हूँ, राजन ब्रेकफास्ट कराया मेरे लिए, ब्रेकफास्ट ले आया है परांठा और चाय। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलते हैं बाहर। मैं आपको इधर उधर का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा घूमते फिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पता नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं, देखना आप लोग, राफ्टिंग और रोपवे हो रहा है। तो चलता हूँ मैं आपको रोपवे दिखाता हूँ, उसके बाद राफ्टिंग भी दिखाता हूँ अगर हो रही होगी। तब तक मैं कर लेता हूँ पहले ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं दोस्तों। क्या नाम है आपका? रागपा। क्या नाम है? रागपा। कहाँ जा रहा है? हेलो कर ले, हेलो कर पहले हेलो कर, पहले हेलो। तो अभी उठ के आ गया हूँ बाहर। बाहर का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, हर तरफ को बादल, धरती चूम रहे हैं। देखो यार मेरे पाँव के नीचे यार रोड़ी है, इसमें मेरे पाँव धस रहे हैं यार। ये रही अपनी गाड़ी, सो रात को क्या सीन था यार कि बारिश इतनी ज़्यादा थी, मतलब ना 5-5 किलोमीटर के फासले में बारिश ही बारिश, एक बार बारिश बंद फिर बारिश ज़्यादा, एक बार बारिश बंद फिर ज़्यादा। और यहाँ आप मेरे पीछे देखोगे अगर, ये देखो यार पानी कम हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा पानी था, अब तो कम हो गया है। देखो अब कम हो गया यार। और वो देखो आप रोपवे, यार यहाँ से क्या है कि आर्मी का सीमेंट जाता है यहाँ से, यहाँ इनका यार्ड है, यहाँ पे देखो वो उतार रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे ये जाता है ऊपर। ये मेरे साथ एक फौजी था अभी, भाई फौजी भाई अपने, तो उन्होंने बताया कि ये जाएगा हमारा जिन बार कुछ ऐसा नाम बताया। मैंने बोला ठीक है, 200-250 किलोमीटर दूर जाएगा। अभी हमारे से पहले एक गाड़ी वहाँ उतरने लग गई, उसके बाद ये गाड़ी है, उसके बाद अपनी गाड़ी है। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं यार, तब तक इधर उधर ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। मनाली बहुत चेंज हो गया है पहले के मुकाबले, पहले का मनाली कुछ और था, अब का मनाली कुछ और है। मैं आया था 2-2.5 साल पहले, अब 2-2.5 साल के बाद आया हूँ। तो देखते हैं, चल राजन को बोलते हैं, भाई ये मेरे को चाय लाया था सवेरे, चल दे जाते हैं भाई गिलास, चलते हैं गिलास दे जाते हैं यार चाय का, किसी का लाया था बेचारे का। इसकी ये विंडो, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है यार, ये लग नहीं रही है। अगर आप लोगों को मेरा गाना सुनना है तो आप लोग ये सर्च करना Team 24, इस पे आपको मेरे गाने मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो अभी चलते हैं गिलास दे जाते हैं यार ढाबे वाले का, ढाबे वाला बोलेगा मेरे गिलास लेके भाग गए या कुछ भी, चलते हैं। ये रहे आर्मी के बेस, बोल रहे इनको भाई, क्या बोलते हैं इनको, सीमेंट का स्टोर, सीमेंट का स्टोर नहीं भाई, यहाँ से ट्रक में जाता है। भाई बंदे पूरे मजे लेते हैं यार जिंदगी, हम लोग ही करते हैं खंजूसी, है ना। और ये गाड़ी राजन की है, ये गाड़ी मेरी है। चलते हैं थोड़ा रोड की तरफ, अगर आप लोगों को कोई जैकेट लेनी है तो यहाँ से मैं उठा लूँगा आप लोगों के लिए, मेरे को मैसेज करना अगली बार, है ना। उठा लूँगा, खरीदनी है। उठा लेंगे भाई, उठा लेंगे भाई, जिसका लो बजट है वो मेरे साथ आ जाना यार ट्रक में मनाली घूमने, मनाली सिटी में उतार दूंगा सवेरे दिन में, घूम लेना शाम को हमारे साथ फिर से वापस आना राजन। ये रहा रोड भाई, रोड
पहले ये सारा रोड सिंगल था, पहले बहुत बकवास था यार, अब बहुत अच्छा हो गया है। मतलब कि ये देखिए ये रोड, ये जो ये वाला रोड है, ये मेरे ख्याल अटल टनल के लिए चला गया, और ये आपका मनाली के लिए चला गया, और ये हमारा मुर्गा, इसको हम रात को आज चिकन बनेगा चाचा, पक पका आज चिकन बनेगा, आज जाने नहीं देगा। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे गाड़ी देख रहे होंगे, ये गाड़ी बहुत कमाल है, बहुत कमाल, ये इंडियन आर्मी वालों की गाड़ी है। आप लोग इस गाड़ी को देखोगे तो ये गाड़ी टाटा 1212C बार्थ स्टेज 3। तो इस गाड़ी में क्या खूबी है यार कि इस गाड़ी में हिस्से दो है, मतलब कि 4x4 ट्रक है ये, देख सकते हो आप लोग, यहाँ आगे ऐसे दे दीगा एक, और यहाँ से पीछे दो। ये गाड़ी बहुत कमाल है यार, बहुत कमाल, मतलब कार को टक्कर देने वाली गाड़ी है यार, इंडियन आर्मी की गाड़ी है, वैसी तो होगी यार, देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे। ये गाड़ी सीमेंट ले जाने आई है, देखो जैसे ये गाड़ियाँ सीमेंट ले जाने आई है, वैसे ये गाड़ी भी सीमेंट ले जाने आई है। यार यहाँ क्या चक्कर है यार, बहुत बड़ा चक्कर है यार, ट्रक वालों को पता नहीं क्यों यही दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। यहाँ भी यार इन्होंने वॉशरूम नहीं बनाया, नहीं है यार, कम से कम यार एक वॉशरूम तो होना चाहिए, आपका आर्मी बेस है यहाँ पे, थोड़ा सा ही है जाए, पर एक वॉशरूम तो होना चाहिए यार, ट्रक वाले थोड़ा ना बाहर जाते रहे, गंदगी फैलाओगे है मनाली में राजन। बिल्कुल भाई, यार भाई वॉशरूम तो बनाना चाहिए यार, आप इन लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है टॉयलेट, इनको वो मूवी दिखानी पड़ेगी। चलो इंतजार करते हैं, अभी रह गई एक गाड़ी हमसे आगे खाली होने को, उसके बाद हमारा नंबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे गाने सुनने हैं तो आप लोग इस पे सर्च करें टीम 24, आपको मेरे गाने आ जाएंगे सामने। और यार खड्डे में घूमने जा रहा था हमने, ये चल नहीं रहा यार राजन, मैं बोल रहा हूँ इसको मैं खड्डे में चल पड़े यार, मेरे सब्सक्राइबर्स खड्डे देखना पसंद करेंगे, खड्डे यार या व्यास नदी है पता नहीं शायद। दोस्तों अभी बाहर आ गए, थोड़ा बोल रहे हैं तिरपाल उठा दो सीमेंट ठंडा हो जाएगा, इसको कहाँ हमने गर्म कर रखा है भाई, राजन उठा रहा है अभी। आप इधर उधर का मौसम देखोगे ना अगर, तो मतलब कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बादल ही बादल है, ठंडा ज़्यादा गर्मी है नहीं, पर गर्मी हमारे को लग रही है यार हल्की हल्की, बाहर अंदर तो गाड़ी के अंदर नहीं लग रही है, ये ऊपर चढ़ गया देखो, गर्म है तिरपाल। तो तिरपाल तो इसने उठा दिया, पर अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं तो वैसे तो दिख नहीं रही होगी, पर मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, वो देखो ये यहाँ ब्लर हो रहा है, ये पैराग्लाइडिंग हो रही है, दूर है यहाँ से, मतलब कि अटल टनल 20 किलोमीटर के आसपास है ना, तो अभी टाइम है नहीं, नहीं तो मैं जाता आप लोगों को अटल टनल दिखाता। अभी गाड़ी खाली करेंगे क्योंकि जाना भी है वापस, यहाँ देखो यहाँ उतर रही है गाड़ी, और ये आपका भाई, मैं यहाँ घूम रहा हूँ बाहर, अभी ठंडा बंडा पिएगी, कुछ गर्मी लग रही है क्योंकि इसका एक फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं पहले, तब आप लोगों के साथ बात करता हूँ यार। चल आगे चल, हाँ तो चल आगे आजा, अभी राजन ऊपर ऊपर से ही जा रहा है, देखो ये तिरपाल पूरी तरह से गर्म हो गया है, पहुंच गया टॉप पे, तो इसका ले लेते हैं फोटो पहले एक। ये रहा दोस्तों आर्मी बेस इनका, यहाँ पे नॉर्मल सा आर्मी बेस है, पर यार हम हाथ धोने आए यार, इसके हाथ गंदे हो गए तिरपाल उठाने के बाद, इसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं है भाई, बड़े ही धोते हैं कहीं जाके, चल आ जा तू, चल देखिए आप मनाली से शिमला की याद है कहाँ। तो दोस्तों आए थोड़ा साइड में, रोड साइड में, राजू आया और आप मेरे नीचे देख सकते हो, ये यार व्यास नदी है या खड्डे है, ये है मेरे ख्याल व्यास नदी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये व्यास में जाके मिलती है आगे। आप लोग इसका बहाव देख लो, अगर बंदा इसमें गिर गया ना, मान लो हम राजू को ऐसे धक्का दे दे नीचे को,
तो राजन सीधा कुल्लू में मिलेगा, उसके बाद सीधा मंडी मिलेगा, पता नहीं मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा। और वहाँ देखो आप, वहाँ एक्टिविटी हो रही है, वो दिख रही होगी आपको, बंदा जाएगा ऊपर को, देखना आप भाई कहाँ है, यहाँ है छोड़ दे भाई, ये छोड़ दे भाई, छोड़ दे अब इसको, ये देखो मर गया बे, मर गया, तो अपन लोग चलते हैं, अब चल राजन चलते हैं, क्योंकि गाड़ी अनलोड होने वाली है हमारी। तो दोस्तों रोप वे यहाँ से हो रहा है, एक वहाँ ऊपर से हो रहा है, एक एक्टिविटी यहाँ हो रही है, आप लोग देख सकते हो ये लोग रोप वे के लिए तैयार हैं। यार थोड़ी सी गलती क्या हुई, जिसको मैं रोप वे बोल रहा था उसको जिप लाइन बोलते हैं, मेरे को ध्यान में नहीं रहा था क्योंकि रोप वे भी सेम सा होता है। तो यार ऐसा मत सोच रहा कि भाई यार क्या बोल दिया यार, रोप वे बोल रहा है जिप लाइन को, जिसको जिप लाइन बोलते हैं ना, मैं आपको कन्फर्म करवा दूँ कि भाई हाँ इसको जिप लाइन बोलते हैं, रोप वे दूसरा होता है वो रस्सी वाला, ये जिप लाइन। चलो हमारे को कहाँ पता यार, हम ट्रक ड्राइवर इतनी नॉलेज कहाँ हमारे को, है ना, है ना राजन? बिल्कुल गाड़ी चुके हैं, गाड़ी खाली हो रही है। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो। तो दोस्तों बज रहे हैं दिन के 2, अपनी गाड़ी लग गई अनलोड होने, तो वीडियो भी लंबी हो गई थी, तो वीडियो कर रहा हूँ यहाँ पे क्लोज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल करो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट आप कर देते हो, और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।